क्या आप लोगों को भी रोलर कोस्टर एंजॉय करना है, वो भी बिना अम्यूजमेंट पार्क जाए? जी हाँ गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ सुपर मारियो मूवी की। जब इसका ट्रेलर आया था, मैं तभी से इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा होप कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने ये गेम तब खेला था जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये हम सभी का वन ऑफ फेवरेट गेम था। आज भी मुझे याद है कि हम लोगों के पास में कीबोर्ड हुआ करता था और उसके बाद में कैसेट लगा के हम लोग रिमोट से गेम खेला करते थे। उसमें कई सारे लेवल्स हुआ करते थे जिन्हें पार करने के बाद में हमें क्वीन मिला करती थी, लेकिन उससे पहले हमें सामना करना पड़ता था ड्रैगन से। गाइस, ये सारी यादें मेरी आज ताजा हो गई थी सुपर मारियो मूवी देख के। इस मूवी को मैंने थिएटर के अंदर 3D हिंदी डबिंग के साथ देखा था। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये रिव्यू पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रहेगा। मारियो का गेम आज से नहीं आया था, बल्कि ये 80s का ओरिजिन है। 1986 के अंदर मारियो की एक एनिमेटेड मूवी आई थी जो की ठीक ठाक रिस्पॉन्स के साथ में बनी थी, लेकिन 1993 के अंदर एक लाइव एक्शन मूवी आई थी जो मूवी कॉमर्शियल बेस पे सुपर फ्लॉप थी और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा खराब आया था। जिसके बाद निंटेंडो, यानी कि जिन्होंने मारियो को बनाया था, उन्होंने सोच लिया कि आज के बाद वो मारियो की कोई मूवी नहीं बनाएंगे। लेकिन 2016 के अंदर मारियो को वापस बनाने के बारे में सोचा गया, लेकिन 2018 के अंदर ये बात तय हो गई कि मारियो की एक नई मूवी आने वाली है। निंटेंडो ने अपनी ये मारियो मूवी इल्यूमिनेशन और यूनिवर्सल पिक्चर के साथ में कोलैबोरेट करने के बारे में सोचा। अगर हम डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसमें एरन और माइकल ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और अगर हम राइटर की बात करें तो ये मूवी मैथ्यू ने लिखी है। अगर आप सभी लोगों ने मिनियंस मूवी देखी होगी तो आप मैथ्यू को जरूर जानते होंगे, क्योंकि मिनियंस मूवी का सारा क्रेडिट मैथ्यू की राइटिंग को दिया गया था। बात करें अगर मारियो के बजट की तो 100 मिलियन से बनी हुई ये मूवी अब तक 67 मिलियन का मार्केट कवर कर चुकी है, और अभी तो इंडिया के अंदर इसका फर्स्ट डे था। अगर फैन बेस के आंकड़े को देखा जाए तो ये मूवी 67 मिलियन को कब का 100 मिलियन में पहुंचा देगी, यानी कि ये मूवी सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। कास्टिंग की बात करें तो मारियो को क्रिस पैट ने आवाज दी है, जिन्हें हमने जुरासिक वर्ल्ड की सारी सीरीज में, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, पैसेंजर, टुमारो वॉर, ऐसी ही कई सारी सुपर मूवीज में हमने इन्हें पहले भी देख रखा है। बात करें मारियो की प्रिंसेस के, यानी कि पीच की, तो टेलर जॉय को हमने इससे पहले द विच द मेन्यू में भी देख रखा है। साथ ही लुइजी के लिए चार्ली डे को चुना गया। और मूवी के विलन की बात करें, यानी कि बोजर का, तो उसे वॉइस दी है जैक ब्लैक ने। हम इन्हें काफी सारी मूवीज में पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि किंग कॉन्ग, गुलीवर ट्रेवल्स और भी कई सारी मूवी, और कुंग फू पांडा में इन्होंने अपनी वॉइस भी दी है। मारियो मूवी का फर्स्ट हाफ कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। मूवी में कई सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि सारी मारियो गेम के अंदर थे। उनको अपने सारे कलर्स के साथ में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि इसकी तारीफ करना सच में कम है। हालांकि क्रिटिक्स को ये मूवी पसंद नहीं आई है, उन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए इस मूवी में, कि बहुत ज्यादा कोई साइंस फिक्शन हो, या फिर स्टोरी अच्छी हो, या फिर बच्चों के लिए कोई रॉकेट साइंस बना देना चाहिए। अरे गाइस, ये मारियो मूवी है, इस मूवी से हम सब लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। हम लोगों को गेम खेलना था, रानी को पार करना था, दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ हिंदी कैरेक्टर्स की, तो सारी डबिंग आर्टिस्ट की आवाज उनके कैरेक्टर्स पे मैच हो रही थी। मूवी के फर्स्ट हाफ के अंदर हम देख सकते हैं जहाँ पे हमें मारियो और लुइजी की कहानी बताई गई है, कि मारियो और लुइजी असल के अंदर क्या किया करते थे, और आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या किया कि वो दूसरे यूनिवर्स में पहुँच गए। इसके साथ में हमें मशरूम किंगडम के बारे में पता चलता है, जिसकी लीडर पीच है, यानी कि प्रिंसेस है। हालांकि वो भी एक इंसान है, लेकिन इसकी भी एक पास्ट स्टोरी है कि आखिर पीच मशरूम वर्ल्ड में कैसे पहुंची। साथ ही साथ हमें बोजर का भी बहुत शानदार वाला कैरेक्टर दिखाया जाता है, कि वो आखिर कौन है और उसे प्रिंसेस क्यों चाहिए, उसका प्रिंसेस से क्या लगाव है, ये सब कुछ हमें मूवी के फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाएगा। अगर मैं गेम के बारे में बात करूँ तो मूवी के अंदर जो प्रिंसेस है वो हमें सारे लेवल्स पार करने के बाद मिला करती थी, जिसकी रक्षा ड्रैगन किया करता था। लेकिन इस मूवी के अंदर प्रिंसेस ने मारियो का साथ छोड़ा ही नहीं है, बल्कि मारियो और प्रिंसेस एक साथ में मिलकर अपने मशरूम किंगडम को बचाने के लिए बहुत सारे लड़ जाते हैं। साथ ही में हमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर से भी मिलाया जाता है, जो कि कॉन्ग है। इसे देख के मुझे कॉन्ग वाले गेम की भी याद आ जाती है, कि कैसे वो ड्रम्स को फेंकता है और ऊपर ऊपर जाके अपने लेवल्स को पार करता है। अगर हम बात करें इस मूवी के एनिमेशन की, तो वो काफी ज्यादा क्लियर और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया गया है। हर एक चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर मारियो से इसका रेफरेंस लिया जाए तो मशरूम से लेके, स्टार से लेके, उसकी पावर से लेके हर एक चीज को एड ऑन किया गया है। साथ ही में मूवी के बीच में हमें वो सारी चीजें भी याद आ जाती है जो कि हमने गेम के अंदर अलग अलग लेवल्स में पार किए थे, जैसे पाइप्स के अंदर जाना, उसके बाद में पावर लेके बड़ा हो जाना, या फिर स्टार की पावर से आप किसी से भी मरते नहीं है। ये सारी चीजें हमें मूवी के एंड तक दिखती रहेंगी। इस मूवी का एक क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हमें साफ पता चल रहा था कि कैसे बोजर वापस आएगा मारियो से लड़ने के लिए और अपनी प्रिंसेस को हासिल करने के लिए। इंडिया की नजर से अगर मैं इस मूवी को देखूँ तो इस मूवी से एक इमोशनल टच है। हालांकि बच्चे इस मूवी से जरूर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ये गेम खेला ही नहीं होगा, और अगर खेला भी होगा तो अपने घर के अंदर बैठ के प्ले स्टेशन में जरूर खेला होगा। हमारे टाइम पे गाइस ये सीडी के अंदर आता था, कैसे
ऑब्जेक्ट्स के अंदर आता था और तब जाके हमें खेलने के लिए मिलता था, नहीं तो अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो कॉइन डाल के हमें वो गेम खेलना पड़ेगा। इन सारी चीजों का मजा शायद आजकल के टाइम के बच्चों को तो नहीं मिलने वाला है। गाइस अगर अब तक भी आपने मारियो मूवी को नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन पूरी पूरी है इस मूवी के लिए कि ये वन टाइम वॉच मूवी तो जरूर है। अगर बच्चे देखने जाएंगे तो वो आपको दूसरी बार ले जाने के लिए जरूर जिद करेंगे। फैंटेसी और एनिमेशन के लेवल को इस मूवी ने पूरी तरीके से टच किया है। अगर हम बात करें एक्शन की तो सच में मारियो कभी मरता ही नहीं है, मारियो तो मरता भी नहीं है, साथ ही में जो इसका ड्रैगन है वो भी नहीं मरता है। उस ड्रैगन को मारने के लिए दोनों भाइयों को यानी कि मारियो और लुइजी को बहुत कोशिशें करनी पड़ी। बैकग्राउंड म्यूजिक ने पूरा पूरा साथ दिया है मूवी को। अगर गाइस बात करें स्टोरी की तो आप स्टोरी से इतनी ज्यादा होप मत लगाइएगा, ये बस एक फन एलिमेंट वाली मूवी है जो कि वन टाइम वॉच के लिए काफी रहेगी, क्योंकि स्टोरी में कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है। हाँ एक्शन बहुत ज्यादा है, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा है, इसी कारण जो डाई हार्ट फैन होंगे वो इस मूवी को कभी भी जज नहीं करेंगे। तो गाइस ये तो था मेरा रिव्यू जो कि पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री था। अगर आप लोगों ने अब तक भी मारियो मूवी देखी है या फिर नहीं देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस मूवी के स्पॉइलर अलर्ट रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए टाटा।